चीनी राष्ट्रपति के चेहरे को बनाया रावण। इंदौर में दशहरे पर चाइनीज सामान का ऐसे किया विरोध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शहर में सबसे बड़ा दशहरा मैदान का 111 फीट ऊंचाई वाला रावण 1 मिनट 18 सेकंड में जलकर भस्म हो गया। यहां 250 फीट की लंका भी बनी थी। जब इस लंका में आग लगाई गई तो एक पटाखा उड़कर रावण के पैर में जा लगा, इससे रावण भी जलने लगा। इतना ही नहीं, शहर के लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी रावण बनाया और आग लगाकर चीन के सामान का विरोध किया। तिलक नगर ग्राउंड पर मोबाइल की लाइट जलाकर पंडित भवानी कश्यप सहित अन्य को श्रद्धांजलि भी दी गई। विजयादशमी पर कई स्थानों पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन हुआ। मुख्य कार्यक्रम दशहरा मैदान, तिलक नगर, चीकमंगलूर चौराहा, उषागंज छावनी, ITI रोड, विजयनगर, लक्ष्मीबाई नगर आदि स्थानों पर था। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी छोटे बड़े दशानन के पुतलों का दहन किया गया। इन सभी स्थानों पर काफी संख्या में भीड़ उमड़ी। सबसे बड़ा रावण दशहरा मैदान पर 111 फीट का बना था। इसका दहन शाम 7 बजे हुआ। इसके साथ ही 250 फीट लंबी लंका का भी दहन किया गया। चीमन बाग में 101 फीट का रावण, लक्ष्मीबाई नगर में 60 फीट, तिलक नगर में 51 फीट, उषागंज में 51 फीट के रावण बनाए गए थे। इस बार खास ये है कि संस्था पौरुष द्वारा महालक्ष्मी नगर में शूर्पणखा का भी दहन किया गया। इन कलाकारों ने किया था रावण के पुतले का निर्माण। दशहरा मैदान रावण दहन समिति के सत्यनारायण सलवाडिया ने बताया कि शाम 5:30 बजे महू नाका चौराहा से शोभा यात्रा निकली तथा 7:30 बजे रावण का दहन किया गया। कलाकार लक्की सलवाडिया, धर्म सिंह सिसोदिया, प्रवीण हरगांवकर, मनोज आर्या, लालू लाहौरिया द्वारा रावण के पुतले का निर्माण किया था। चीमन बाग रावण दहन समिति के अनिल यादव ने बताया कि इस बार 101 फीट का रावण बनाया गया था। इसके साथ ही 250 फीट लंबी लंका भी बनाई गई। खास बात यह है कि इस बार दशानन का एक एक सिर आतिशबाजी से अलग किया गया था। इस बार रावण की मुद्रा हाथ में गदा लिए थी। रावण ने खुद किया आतिशबाजी, राम जी को भी ढूंढा। उषागंज छावनी रावण दहन समिति के किशोर मीणा ने बताया कि इस बार ये 38वां आयोजन है। इसमें रावण पटरे सिस्टम से आगे पीछे चला और राम जी को ढूंढा। लोगों के मनोरंजन के लिए इस बार रावण खुद आतिशबाजी किया। ऐसी ही बिजली सिस्टम के तहत वह बार बार गिरगिट की तरह रंग बदला। तिलक नगर रावण दहन समिति के मीत कश्यप ने बताया कि अब 62वां वर्ष है। इस बार 51 फीट रावण है और 101 फीट लंबी लंका बनाई गई है। कार्यक्रम संत समाज के आतिथ्य में था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।